राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। यूपी में कावड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने यह आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कावड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल खुलकर सामने आ गए हैं। आरएलडी ने इसको गलत परंपरा बताया तो लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने फैसले का समर्थन करने से इनकार किया। वहीं जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट करने का है। वहीं प्रियंका गांधी ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि यह अव्यवहारिक कार्य है, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। यूपी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले दुकानों के बाहर दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। पुलिस का तर्क था कि इससे कावड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब दुकानदार का धर्म पता चल सकेगा। इस साल कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। यूपी में हर साल 4 करोड़ कावड़िये हरिद्वार से जल उठाते हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।